नमस्कार, मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया और 1156 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस यात्रा के दौरान पीएम ने लक्षद्वीप के कुछ खूबसूरत बीच का फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और भारतीयों से यहाँ आने की अपील की ताकि स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहन मिले। पीएम की अपील के बाद लक्षद्वीप गूगल पर ट्रेंड में बना हुआ है। लक्षद्वीप में लोगों से आने की अपील के बाद भारत के समुद्री पड़ोसी देश मालदीव सरकार के कुछ नेताओं ने भारतीय पीएम और लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया और कहा कि मालदीव से लक्षद्वीप की तुलना संभव नहीं। इस विवाद के बाद कई भारतीय सेलिब्रिटी, जिसमें सिनेमा से लेकर क्रिकेट जगत के लोग शामिल हैं, उन्होंने भारतीयों से लक्षद्वीप के पर्यटन के लिए एक्सप्लोर करने का आग्रह किया। इसके बाद इंटरनेट पर इंडियन यूजर्स भड़क गए और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड होने लगा। बात करते हैं मालदीव और भारत के संबंध की। ब्रिटिश से वर्ष 1965 में आज़ादी मिलने के बाद भारत इसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। मालदीव और भारत के बीच राजनीतिक संबंध के अलावा सामाजिक, धार्मिक और कारोबारी रिश्ता भी रहा है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय भी निवास करते हैं। आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने 1981 में समझौता किया। दोनों देशों ने साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। साथ दोनों ही देश सार्क और साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन के संस्थापक सदस्य हैं। 1987 में ऑपरेशन कैक्टस के जरिए भारत की सेना ने मालदीव की राजनीतिक अस्मिता बचाई थी। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में मालदीव को चुना था, जो हमारे पड़ोसी प्रथम की नीति पर आधारित है। हिंद महासागर में मालदीव की केंद्रीय स्थिति को देखकर ही भारत ने एक प्रस्ताव पारित कर नवंबर 2018 में मालदीव को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 22वां सदस्य बनाया है। भारत से बड़ी संख्या में लोग मालदीव घूमने जाते हैं। वर्ष 2023 में करीब 3,00,000 लोग वहां घूमने गए थे। अब बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में कुछ और जानकारियों की। तो भारत का सबसे छोटा संघराज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक समूह द्वीप समूह है, जिसमें कुल 36 द्वीप हैं, जबकि 10 टापुओं पर ही लोग रहते हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है। 32.62 वर्ग किलोमीटर में फैले लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या मात्र 64,473 है, जिसमें 96% आबादी मुस्लिम है। वहीं कुल साक्षरता दर 91.82% है। आज़ादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं था। ऐसे में सरदार पटेल के सूझबूझ में इसे भारत में मिलाया गया। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। 1 नवंबर 1973 के पहले इसे लक्काद्वीप मिनिकॉय अमिनी दीवी के नाम से जाना जाता था। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। वहीं मिनिकॉय अन्य स्रोतों में एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप समूह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वोकल फॉर लोकल की दृष्टि से लक्षद्वीप का पर्यटन के लिहाज से विशेष महत्व है। हिंद महासागर यानी अरब सागर में लक्षद्वीप की रणनीतिक स्थिति है, क्योंकि यह एक तरफ जहां पड़ोसी देश मालदीव से सटा है, वहीं यह हिंद महासागर के व्यापारिक रूट से भी जुड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में चीन भारत को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति के तहत घेरने में लगा हुआ है। मालदीव की वर्तमान मुइज्जू सरकार के चीन से करीबी रिश्ते हैं, जो कि भारतीय हितों के लिए एक प्रमुख चुनौती होगी। इसके अलावा अरब सागर में हाल के दिनों में समुद्री लुटेरों के हमले बढ़े हैं। यमन के हाउती विद्रोही द्वारा कई भारतीय जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। ऐसे में लक्षद्वीप समूह भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिहाज से अहम है।